हेलो गाइस वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल द केमिस्ट्री हब और आज मैं बात करने वाला हूँ कि एमसीसी ने एक नया पब्लिक नोटिस रिलीज़ किया है वो नया पब्लिक नोटिस जो है वो कुछ एक स्पेशल कैंडिडेट्स के लिए है तो वो स्पेशल कैंडिडेट्स क्या है और उस नोटिस के अंदर ऐसा क्या है तो उसके लिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कीजिएगा चलिए बात करते हैं कि यहाँ पे डेट देख, देख लीजिए कि आज एम ने एक पब्लिक नोटिस रिलीज़ किया है अगर इस पब्लिक नोटिस के बारे में हम लोग बात करें तो ये है नोटिस फॉर चिल्ड्रन ऑफ कोविड वॉरियर यानी उन कैंडिडेट्स के लिए ये नोटिस है जिनके पेरेंट्स पहले जो कोविड सिचुएशन थी उसके अंदर उनके पेरेंट्स एक्सपायर हो गए थे यानी उन कैंडिडेट्स को एक स्पेशल सीट्स यहाँ पे अलॉट की जाएगी एम ने पाँच सीट्स यहाँ पे उन स्पेशल कैंडिडेट्स के लिए अलॉट करेगा और उसका प्रोसीजर क्या होगा उसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं ठीक है थीके? तो मैं आपको एक क्लियरली एक बात बता दूं कि जिन स्टूडेंट्स के पेरेंट्स कोविड वॉरियर थे यानी कहने का मतलब ही है कि जिन स्टूडेंट्स के पेरेंट्स कोविड सिचुएशन के अंदर एक्सपायर हो गए थे या फिर कोविड के अंदर उनकी कोविड की वजह से डेथ हो गई थी ठीक है वो कोविड वॉरियर थे और उनकी कोविड की वजह से डेथ हो गई थी उनके लिए एम ने पाँच सीट्स अलॉट करने का डिसीजन लिया है और वो इस नोटिस के अंदर क्लियरली मैंशन किया हुआ है ठीक है तो यहां पर हम लोग बात करते हैं आगे देखिएगा ध्यान से अब एक बार यहां पे इसके जो पांच सीट्स है इनके लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वो एक बार देख लेते हैं ठीक है तो डेफिनेशन ऑफ कोविड वॉरियर एज डिफाइंड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड एफडब्ल्यू डब्ल्यू वाइड देयर ओम डेटेड 18 इलेवन 2020 एंड 23 थर्ड इलेवन टू थाउजेंड ट्वेंटी विच इज कोटेड बिलो ठीक है यहाँ पे पूरा ये लिखा हुआ है अब यहाँ पे ऐसा नहीं है कि सिर्फ जिन कैंडिडेट्स के जो कोविड वॉरियर थे वो सिर्फ मेडिकल या हॉस्पिटल के अंदर ही उनकी ड्यूटी थी नहीं वो किसी भी एस्पेक्ट में या कहीं पे भी कोविड के सेशन के अंदर ड्यूटी कर रहे थे और वहाँ पे वो एक्सपायर हो गए थे उन सब कैंडिडेट्स के लिए ये चीज़ एलिजिबल है ओनली नीट क्वालिफाइड एंड एलिजिबल वार्ड्स ऑफ कोविड वॉरियर्स टू बी कंसिडर इसके अंदर सिर्फ वही कैंडिडेट्स कंसिडर किए जाएंगे जिनके पेरेंट्स एक्सपायर हो गए थे कोविड सिचुएशन के अंदर या फिर जिनके पेरेंट्स कोविड वॉरियर थे ठीक है यहाँ पे हम लोग बात कर देते हैं कि कौन कौन सी कॉलेज के अंदर ये सीट्स है तो कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू स्टेट देयर प्रेफरेंस ऑफ मेडिकल कॉलेज वेयर वन सीट इन ईच कॉलेज इज मेड अवेलेबल फॉर द एकेडमिक ईयर 2021 द नेम्स ऑफ द कॉलेजेस आर फर्स्ट लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज न्यू दिल्ली के अंदर गर्ल्स के लिए ओनली एन मेडिकल कॉलेज जबलपुर एम के अंदर जे मेडिकल कॉलेज अजमेर राजस्थान के अंदर और मेडिकल कॉलेज अलापुजा केरला के अंदर लेट श्री लखीराम मेमोरियल गवर्नमेंट कॉलेज रायगढ़ या फिर छत्तीसगढ़ के अंदर हम लोग बात कर रहे हैं ठीक है तो अब आपको इसके लिए अप्लाई कैसे करना है उसके रिगार्डिंग देखिए यहाँ पे फॉर्मेट फॉर सबमिशन ऑफ ऑफ एप्लीकेशन फॉर अलॉटमेंट ऑफ सेंट्रल पुल एम सीट्स अंडर एम फॉर वोट्स ऑफ कोविड वॉरियर्स ठीक है तो इसके लिए यहाँ पे आपको एक एप्लीकेशन सबमिशन करना पड़ेगा यहाँ पे यहाँ पे सबसे पहले कैंडिडेट का नेम होगा फिर रिलेशनशिप विथ कोविड वॉरियर के साथ रिलेशनशिप क्या है फादर्स या फिर मदर का नेम आपका जेंडर क्या है नीट की रैंक क्या है आपकी नीट का रोल नंबर चॉइसेस ऑफ कॉलेज इन ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस तो आपको जो कॉलेज लेनी है पाँच कॉलेज आपकी दी हुई है आपको प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग वो कॉलेज यहाँ पर फिल कर देना है आपका आधार कार्ड नंबर मेडिकल रिपोर्ट डेथ सर्टिफिकेट जो भी आपके कोविड वॉरियर के अंदर जिसकी भी डेथ हुई थी आपके फादर या मदर उनके जो डेथ सर्टिफिकेट है वो भी आपको यहाँ पे उसका जो डेथ सर्टिफिकेट का नंबर होगा वो यहाँ पे लिखना है नेक्स्ट है कोविड इंश्योरेंस स्कीम नंबर इफ़ एनी अगर आपको कोविड के अंदर आपके पेरेंट्स के या फिर आपके फादर या मदर किसी के भी डेथ की वजह से आपको कोई इंश्योरेंस मिला इंश्योरेंस था और वो इंश्योरेंस आपका आपको मिला है तो उसका जो इंश्योरेंस स्कीम नंबर है वो भी यहाँ पे लिखना है स्टेट अथॉरिटी सर्टिफाइंग द कोविड वॉरियर सेक्रीफाइज हिज या हर लाइफ फाइटिंग द पेंडेमिक ऑन ड्यूटी इन डैश एंड इन एलिजिबल फॉर नॉमिनेशन टू कोविड वॉरियर सेंट्रपुल कोटा यानी ये स्टेट अथॉरिटी सर्टिफाई करेंगी कि आपके जो भी या फादर या मदर थे वो कहाँ पे ड्यूटी कर रहे थे और उसके uh, अंदर कोविड के अंदर उनकी डेथ हो गई थी फिर है आपके सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट ये आपको एक फॉर्मेट फिल करना है आपको ठीक है मैंने ये पूरा क्लियरली समझा दिया आपको नेक्स्ट है फॉर्मेट ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ एलिजिबिलिटी फॉर कंसिडरेशन ऑफ अलॉटमेंट ऑफ एम सीट इन सेंट्रल पूल फॉर वर्ड्स ऑफ कोविड वॉरियर्स ठीक है यहाँ पर आपको फोटोग्राफ लगाना है कैंडिडेट का ठीक है यहाँ पर आपका कैंडिडेट का फोटो लग, लगेगा ठीक है तो आपको जो आपका डी ऑफिस है आपका स्टेट का या फिर डी एच एस यानी डायरेक्टर मेडिकल एजुकेशन या फिर डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज का जो ऑफिस है वहाँ पे आपको एक तो ऊपर वाला फॉर्म जो मैंने अभी बताया था एक ये फॉर्म जिसके ऊपर आपका फोटोग्राफ होगा यहाँ पे ठीक है और इसके साथ डेथ सर्टिफिकेट होगा आपका नीट का जो स्कोर कार्ड होगा वो भी आपको इसके साथ लगाना है ठीक है बाकी जो डॉक्यूमेंट्स है लाइक आधार कार्ड वगैरह ये सब तो नॉर्मल डॉक्यूमेंट्स है और इस फॉर्म को फिल करने के बाद ये फॉर्म फिल किया जाएगा आपका ठीक है उसके बाद आपका जो डी है ये जो आपका स्टेट का जो ऑफिस है ये देखेंगे कि आप इसके लिए एलिजिबल हो या फिर नहीं हो अगर ये चेक करेंगे कि अगर आप एलिजिबल हो तो ये इसको एमसीसी को भेज देंगे और एमसीसी के पास जो अदर स्टेट से भी कुछ कैंडिडेट्स ये फॉर्म फिल करके भेजेंगे वो भी इसके अंदर पार्टिसिपेट करेंगे तो जो टॉप फाइव स्टूडेंट्स होंगे उनको ये कॉलेजेस क्या कर दी जाएंगी अलॉट कर दी जाएंगी आपकी ठीक है तो अगर इसके रिगार्डिंग आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा ठीक है अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा उसके रिगार्डिंग मैं आपको वीडियो प्रोवाइड करवा दूंगा ठीक है थैंक यू मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ थैंक यू